उसने छलांग मारी और एक ही छलांग में वो पहुंच गई अंगूर के गुच्छों के पास। कहानी सुनते हैं अंगूर खट्टे या मीठे, वहां तक तो आपने कहानी सुनी होगी। लोमड़ी जब अंगूर के गुच्छों तक नहीं पहुंच पाई और तो लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पता है उसके बाद क्या हुआ? हुआ क्या उसके बाद? जहां जाती लोमड़ी उसके बारे में इस तरह की चर्चाएं होती और लोग पीठ पीछे उसके हंसते, उसका मजाक उड़ाते। लोमड़ी ने निर्णय किया कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होगी, उसके लिए वो तैयारी उसने करना फिर से शुरू किया। व्यायाम किया उसने, गोलियां ली, विटामिन लिए, खाने पीने में काफी बदलाव किया, दिनचर्या ठीक की और पूरी तरह तैयारी किया उसने कैसे भी हो, लेकिन ऐसी छलांग लगानी है मुझे जो अंगूर तक पहुंच सके। हुआ भी वही, सारी तैयारियां सारी मेहनत के बाद कोशिश रंग लाई और एक दिन सबसे छुप छुपा के, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था, उसने छलांग मारी और एक ही छलांग में पहुंच गई अंगूर के गुच्छों के पास। जब उसने खा के देखा अंगूर वाकई बहुत खट्टे थे खाने के बाद। समस्या ये थी अंगूर नहीं मिले तो उसने जान छुड़ाई अंगूर खट्टे हैं कहके, और अब अगर मिल गए तो खट्टे भले हैं अंगूर, लेकिन कहा कैसे जाएंगे अंगूर खट्टे। लोमड़ी ने डिसाइड किया, निर्णय किया कि उसे जाके गांव वालों से क्या कहना है। पंचायत लगी हुई थी, लोमड़ी जान बूझ के उधर से गुजरी और सबको दिखाते हुए अंगूर खाते हुए कहा, वाह अंगूर कितने मीठे, कितने मीठे हैं अंगूर के गुच्छे। आनंद आ गया अंगूर खाकर, अंगूर खट्टे नहीं मीठे नहीं, अगर वाकई खट्टे हैं और अगर हाथ आ गए तो ये कहना कि अंगूर मीठे हैं, ये जीवन ऐसे ही है। हमारी आपकी सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं जाके मिल जाती है उस लोमड़ी के अंगूर खट्टे और मीठे से। ये वहा हो, ये जिंदगी के इस तरह के उतार चढ़ाव की समस्याएं, इस तरह की बातें। खैर मिलते हैं अगली कहानी में, धन्यवाद।